सो हेलो गाइज एंड वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। और इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं आईफोन XR पे iOS 18 के बीटा 2 का टेस्ट। तो बीटा वर्जन iOS 18 का आ चुका है और बहुत लोग रिक्वेस्ट कर रहे थे कि भाई BGMI टेस्ट लेके आओ आईफोन XR पे, क्योंकि XR पे iOS 18 का सपोर्ट मिल चुका है। और बहुत ही हैरानी की बात है कि जो फोन 2018 में लॉन्च हुआ था उसमें अभी भी अपडेट्स आ रहे हैं, वो भी मेन अपडेट्स। तो इस वीडियो में मैं आपको टेस्ट करके दिखाऊंगा आईफोन XR का iOS 18 के बीटा वर्जन पे। और आप लोग यहाँ पे मेरी बैटरी हेल्थ भी देख सकते हो, 80% पे है और पहले भी, मतलब कि अपडेट करने से पहले भी 80% पे ही थी। और आपको मैं पूरा रिव्यू भी देने वाला हूँ कि बीटा वर्जन पे कैसा चल रहा है, हीट हो रहा है या फिर नहीं हो रहा, लैग कितना हो रहा है, गेम हमारा कैसा चल रहा है। और फाइनली गेमिंग मोड भी आ चुका है iOS 18 के बीटा वर्जन में, तो उसका भी मैं रिव्यू आपको दूंगा। तो भी फटाफट से करते हैं इस वीडियो को स्टार्ट। तो गाइस सबसे पहले आप लोग यहाँ पे बैटरी और टाइम देख सकते हो, तो बैटरी हो रही है 97% और गेमिंग मोड भी यहाँ पे देख लो आप भाई, नया गेमिंग मोड आ चुका है iOS 18 के बीटा वर्जन में और अपने आप ही ये ऑन हो जाता है गेम खोलते ही। और टाइम हो रहा है यहाँ पे 11:03। तो भी वीडियो को ध्यान से एंड तक देखना और मैं आपको सब कुछ बताने वाला हूँ, एक एक एक्सपीरियंस अपना। और अगर चैनल पे नए हो तो जरूर से सब्सक्राइब भी कर देना, बहुत लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो अभी आगे एंजॉय करो गेम प्ले को। तो गाइस यहाँ तक खेलते हुए iOS 18 पे हमको आधा घंटा हो चुका है, आधे घंटे से ज्यादा ही हो चुका है। और बैटरी भी अभी आप लोग यहाँ पे देख सकते हो 75% पे हमारी बैटरी आ चुकी है XR की। और टाइम भी आप लोग यहाँ पे देख सकते हो 11:39 हो रहे हैं, तो यानी कि हमको खेलते हुए 36 मिनट हो चुके हैं। और इन 36 मिनट्स में जो कि हमारी बैटरी गई है वो गई है 22%। तो देखा जाए ना तो बैटरी यहाँ पे हमारी सही चल रही है। वैसे बीटा वर्जन में ज्यादा रेन होती है और ज्यादा रेन हो भी रही है, और मैं उसी हिसाब से आपको बता रहा हूँ कि भाई बीटा वर्जन के हिसाब से बैटरी सही चल रही है। वरना अगर नॉर्मल ये होता, मतलब कि iOS 17 होता, तो 20% या फिर 17% ऐसे बैटरी जाती आधे घंटे में। और अगर अभी मैं बात करूं परफॉर्मेंस की और हीटिंग की, तो पहले तो आपको ये सब तो पता ही होगा कि बहुत सारे iOS 18 में ना फीचर्स आया है और उसके वजह से ना बहुत ही ज्यादा बगी हो गया है XR। जबकि iOS 17 जब मैं यूज कर रहा था तो उस पे इतना बगी नहीं था, तो इसका गेम से तो कोई भी लेना देना नहीं है। तो अभी गेम की बात करते हैं, ये सब की बात मैं नहीं करूंगा ज्यादा। तो इन 36 मिनट्स में, यानी कि इस आधे घंटे में, शुरू के जो 5-10 मिनट थे ना उसमें फोन बहुत ही ज्यादा हीट हो गया था, मतलब हद से ज्यादा हीट हो गया था भाई, इतना स्टेबल वर्जन पे हीट नहीं होता है। लेकिन उसके बाद में अचानक से पूरी हीटिंग खत्म हो गई। और एक दो चीज मैंने यहाँ पे और नोटिस करी, जब मैं गेम के बीच में एक बार के लिए इंस्टा गया था एक मिनट के लिए, मतलब फ्रेंड को बुलाने गया था कि आ जा भाई खेल ले, तो उसमें यहाँ पे ना फोन मेरा अचानक से गर्म हो गया, मतलब की XR हमारा गर्म हो गया बहुत तेज। और उसके बाद में जब दोबारा गेम में गया ना तो दोबारा से हीटिंग खत्म हो गई। तो मेरे हिसाब से ये ना बस गेमिंग मोड का ही कमाल है जो नया गेमिंग मोड आया है। और सही बताऊँ ना तो ये गेमिंग मोड काफी इफेक्टिव है, मेरे को जायरो भी काफी ज्यादा स्मूथ लग रहा था, जबकि पहले जायरो इतना स्मूथ नहीं लगता था। और हीटिंग भी भाई पहले से बहुत ही कम लग रही है मेरे को, स्टेबल वर्जन से भी कम लग रही है। बस शुरू के अगर 5-10 मिनट हटा देना तो भाई हीटिंग तो हो ही नहीं रही थी। एंड बाकी लैग वगैरह मेरे को हल्का फुल्का देखने मिल रहा था, हॉट ड्रॉप पे फ्रेम ड्रॉप भी हल्के फुल्के हो रहे थे जो कि बीटा वर्जन पे होते ही है, क्योंकि मैंने iOS 16 का भी बीटा वर्जन टेस्ट किया हुआ है, चैनल पे वीडियोस होंगी आप वो भी देख सकते हो। तो अभी आगे गेम प्ले करते हैं और आगे मैं आपको और डिटेल में बताऊंगा जब एक घंटा हमारा पूरा हो जाएगा। तो अभी आगे एंजॉय करो गेम प्ले को।
तो गाइस फाइनली हमको यहाँ पे खेलते हुए वन हार हो चुका है iOS 18 के बीटा वर्जन पे आईफोन XR पे। और अभी आप लोग यहाँ पे बैटरी और टाइम देख सकते हो, तो बैटरी आ चुकी है 52% पे और टाइम हो रहा है 12:09। तो यानी कि हमको खेलते हुए यहाँ पे एक घंटे से ज्यादा ही हो गया, लेकिन एक घंटा ही मान के चलते हैं, 2-3 मिनट बस ज्यादा हुई है, ज्यादा देर नहीं हुई। तो इस वन हार में जो कि हमारी बैटरी गई है iOS 18 के बीटा 2 पे, वो गई है यहाँ पे 45%। और देखा जाए ना तो यार पहले से थोड़ी सी ज्यादा ड्रेन हो रही है, और बीटा वर्जन पे यार ज्यादा ड्रेन होगी और लैग भी ज्यादा ही होगा नॉर्मल वर्जन से, क्योंकि ये बीटा वर्जन है, टेस्टिंग वर्जन है। और अगर यही मैं नॉर्मल वर्जन पे खेल रहा होता ना, मतलब कि स्टेबल वर्जन पे खेल रहा होता, तो उस पे मेरी बैटरी ड्रेन होती 38% या 40%। तो देख सकते हो आप कि कितना डिफरेंस आता है अगर आप बीटा वर्जन पे खेलोगे BGMI। और रही बात यहाँ पे इस एक घंटे के लैग की और मेरे पूरे एक्सपीरियंस की, मैं वैसे बीटा वर्जन 4 या 5 दिन से यूज कर रहा हूँ, तो पूरा एक्सपीरियंस मैं अभी आपको बताऊंगा। सबसे पहले मैं गेम का बता देता हूँ आपको। तो इस वन हार में हीटिंग का तो मैंने आपको बताया ही कि हीटिंग मेरे को उतनी देखने नहीं मिली, बस शुरू के 5-10 मिनट में मेरे को हीटिंग देखने मिल रही थी। और इस बाद के आधे घंटे में भी ना मेरे को बिल्कुल भी हीटिंग देखने नहीं मिली, बहुत ही हल्का फुल्का ही हीट हो रहा था। और ये चीज से ना मैं काफी शॉक हो गया, क्योंकि जब मैंने iOS 16 का बीटा वर्जन यूज किया था तो उस पर बहुत ज्यादा हीटिंग हो रही थी, हद से ज्यादा हीटिंग हो रही थी। और अभी भी ऐसा नहीं है कि हीटिंग नहीं हो रही है, जब मैं नॉर्मल आईफोन चला रहा हूँ ना तो हीटिंग हो रही है, लेकिन जब मैं गेम खेल रहा हूँ तो हीटिंग नहीं हो रही। अब ऐसा क्यों हो रहा है ये तो मेरे को नहीं पता, लेकिन जितना मेरे को लगता है तो ये जो गेमिंग मोड आया है नया, इस वजह से हो रहा है। क्योंकि ये जो नया गेमिंग मोड आया है, इसका काम है कि बैकग्राउंड में सारी एक्टिविटी को बंद कर देना और पूरी पावर फिर गेम पे लगाना। तो गेमिंग मोड का कम से कम एक तो फायदा हुआ कि हीट अभी उतना नहीं हो रहा है आईफोन। लेकिन रही बात यहाँ पे लैग वगैरह की, तो लैग वगैरह मेरे को देखने मिल रहा था, मतलब जब मैं ज्यादातर टाइम फाइट ले रहा था ना तभी मेरा यहाँ पे लैग फ्रेम ड्रॉप हो रहा था, लेकिन उतना मेरे को लैग देखने नहीं मिला जितना कि पहले लैग देखने मिल रहा था मेरे को। और भी मैंने एक दो चीज नोटिस करी कि जो गेम के एनिमेशन है वो ज्यादा स्मूथ लग रहे थे iOS 18 करने के बाद में, जबकि मैंने iOS 18 इंस्टॉल करने से पहले भी गेम प्ले किया था iOS 17 पे, और तब मेरे को उतने स्मूथ एनिमेशन देखने नहीं मिल रहे थे। और सही बताऊं ना तो UI में काफी इंप्रूवमेंट है, UI में थोड़ा बहुत मेरे को लैग तो देखने मिल ही रहा है iOS 18 पे नॉर्मल चलाने पे फोन, लेकिन वैसे अगर देखा जाए ना तो एनिमेशन नॉर्मली भी बहुत ज्यादा स्मूथ हो गए हैं। और बाकी मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि आप iOS 18 के बीटा वर्जन को इंस्टॉल मत ही करो तो ज्यादा अच्छा है। बहुत लोग ये क्वेश्चन में से पूछ रहे थे कि भाई हम iOS 18 कर ले क्या, तो भाई मैं तो कभी भी रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप बीटा वर्जन पे जाओ, क्योंकि आपकी बैटरी हेल्थ बहुत तेजी से गिर सकती है। जब मैंने iOS 16 का बीटा वर्जन यूज किया था तब मेरी बैटरी हेल्थ 5% से गिर गई थी, वो भी बस 1 या 2 महीने में। और नॉर्मली भी आईफोन चलाने पे फिर काफी लैग होते हैं, काफी सारे बग्स होते हैं, और अभी भी एनिमेशन के लैग हो रहे हैं UI में, और हीटिंग भी नॉर्मल आईफोन चलाने पे तो हो ही रही है। एंड बाकी अगर आपको और कोई भी टेस्ट चाहिए हो तो इन चेक कमेंट कर देना, मैं iOS 18 पे उसका भी टेस्ट बना दूंगा। एंड बाकी यही था आज की हमारी इस वाली वीडियो में, तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना और शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ में। और अगर हमारे चैनल पे नए हो तो जरूर से सब्सक्राइब भी कर देना यार, बहुत कम लोग सब्सक्राइब कर रहे हैं, तो अगर आप नए हो तो जरूर से सब्सक्राइब करना। एंड मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में, जहां तक देखने के लिए थैंक यू, शुक्रिया एंड बाय बाय।